अगर व्यापारी की बात मैं करूं कि व्यापारी की क्या बात हो जाती है जिसकी वजह से एनपीए आगे बढ़ता है, तो वहां आप क्या फॉल्ट लाइन देखते हैं, व्यापारी कहां मिस कर जाता है, कहां गलत साबित हो जाता है? देखिए, दो तरीके के लॉसेस हुए हैं व्यापार के अंदर, एनपीएस हुए हैं। एक तो वो हुए हैं जो जिनके पास में अंडर फाइनेंस था, वो मेजोरिटी में एनपीए हुए हैं। कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनके यहाँ पे फंड डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है। व्यापारियों की तरफ से अगर देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि व्यापारियों की तरफ से कभी कोई गलती नहीं हुई है। कई बार व्यापारियों से फंड डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, और जो फंड डाइवर्सिफिकेशन होता है ना साहब, वो इसलिए किया जाता है कि उनकी एंटिसिपेशन होती है कि अगली जगह पर इसको मैनेज कर लेंगे, पर वो अगली जगह पर वो फंड आता नहीं है और फंड फ्लो बिगड़ जाता है। तो जहां पे फंड डाइवर्सिफिकेशन होता है, व्यापारियों की तरफ से एक ही कमजोरी रही है कि वक्त आने पर उन्होंने फंड डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, और मेरी जो अगली एनपी जो मैं आनंद नेविगेटर में एक स्कीम लेके आना चाहता हूँ, उसमें बैंकर्स के लिए भी स्कीम लेके आना चाहता हूँ कि बैंक अपने पैसे को कैसे मॉनिटर करेंगे। क्योंकि क्या है ना, बैंकर के साथ में क्या प्रॉब्लम है, एक बैंक मैनेजर जो होता है वो अपने अकाउंट को कितना समझता है, वो क्या करता है, आपकी फैक्ट्री में आता है, आपके ऑफिस में आता है, वो आपको देखता है कि लेबर काम कर रही है, आपकी बुक्स मेंटेन्ड हो रही है, अपने कंप्यूटर के ऊपर में देखता है कि आपके ट्रांजेक्शन हो रही है क्या, वो सब चीजें देखता है, तो उसको लगता है कि नहीं, अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है। फिर उनकी एक स्टॉक ऑडिट की टीम भी आती है, वो स्टॉक ऑडिट भी होती है, तो इस सब के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओल झोल हो जाता है आदमी से, और उसके अंदर में जो फंड डाइवर्सिफिकेशन आदमी कर लेता है शॉर्ट टर्म गेन के लिए, वो आदमी को मरवाता है। इस एनपीए के अंदर में उनका भी कंट्रीब्यूशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एब्सोल्यूट 100% व्यापारी क्लीन है, कहीं ना कहीं व्यापारियों से भी छोटी छोटी चूकें हुई हैं।